हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूं होंडा के शोरूम में, जिसको कि हम एक्सेल होंडा के नाम से जानते हैं, एंड ये मोदी नगर वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर वीडियो, और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं एक्टिवा स्टैंडर्ड एडिशन का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है इसमें। सो गाइज, ये है होंडा एक्टिवा का स्टैंडर्ड एडिशन। भारत में सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि एक अफोर्डेबल रेंज में एसेंशियल फीचर्स के साथ ये स्कूटी आपको मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले इसके फ्रंट को कवर करेंगे। तो कुछ इस तरह की आपको फ्रंट लुक देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। इसके एलिमेंट्स को देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वाइजर देखने को मिल जाएगा, जो कि बॉडी कलर ही प्रोवाइड कराया है ब्लू कलर के साथ। और उसके साथ यहाँ पर आपको हैलोजन में हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। फर्दर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता देती हूँ, तो यहाँ पर आपको अगर आप DLX एडिशन लेते हो, तो वहाँ पर आपको LED में हेडलाइट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे आऊँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड क्रोम कलर की फिनिशिंग दी गई है, जो कि अच्छी लग रही है। तो कुछ इस तरह की आपको फ्रंट में लुक ऑफर करी गई है। आप देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। ये है स्कूटी की साइड प्रोफाइल, काफ़ी स्मार्ट लग रही है। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं, तो वो है 162 mm। चलिए अब इसके सीट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में लेदर सीट्स प्रोवाइड कराई गई है, जो कि काफ़ी कुशन एंड कंफर्टेबल लग रही है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको 18 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। उसके साथ अभी मैंने फ्यूल टैंक कैप भी खोली हुई है, तो आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर उसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ, तो वो है 5.3 लीटर्स। यहाँ पर आपको स्टील रिम में ही टायर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं फ्रंट व्हील की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 12 इंच का टायर प्रोवाइड कराया गया है, और वहीं रियर में आपको 10 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट व्हील में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का ऑप्शन दिया गया है, और वहीं रियर व्हील में आपको 3-way एडजस्टेबल सस्पेंशन का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। और उसके साथ यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको साइलेंसर मफलर की प्लेसमेंट करी गई है, और उसके साथ यहाँ पर आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे यहाँ पर आपको बैटरी की प्लेसमेंट करी गई है, और उसके साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस एंड रेडियल टायर्स ही प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं दोनों व्हील्स की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन ही देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर आपको 3D एक्टिवा का लोगो देखने को मिल जाएगा, क्रोम फिनिशिंग के साथ, अच्छा लग रहा है। ये थी इसकी साइड प्रोफाइल, अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। ये है स्कूटी की रियर लुक, अच्छी लग रही है। तो सबसे पहले सेंटर में यहाँ पर आपको हैलोजन में ही पीछे टेल लाइट्स प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इसकी रियर, अब देखते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल को। ये है स्कूटी की लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगी, जो कि सिल्वर कलर में प्रोवाइड कराई गई है। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिवा का 3D लोगो देखने को मिल जाएगा, क्रोम फिनिशिंग के साथ। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। जो पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट आता है, वो इसमें प्रोवाइड नहीं कराया गया है। तो अगर आप चाहो, तो एज एन एक्सेसरी कंपनी से आप परचेज कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आपको इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि 110 cc का है। तो इसका इंजन 5.77 kW की पावर एंड 8.90 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके साथ यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं इसके सेंटर कंसोल को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही देखने को मिल जाएगा, और सेंटर में यहाँ पर आपको होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल एंड ब्रेक की प्लेसमेंट करी गई है, और एक ग्रैब हैंडल एंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दो मिरर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि काफ़ी स्टडी लग रहे हैं। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कुछ टॉगल स्विचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका हाई बीम एंड लो बीम के लिए, ये आपका इंडिकेटर के लिए, और ये आपका हॉर्न के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है। अभी स्कूटी ऑफ मोड पे है, लेकिन इसकी जो हॉर्न की साउंड क्वालिटी है, वो यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आपको स्टार्टर का बटन देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको स्कूटी ऑपरेट करने के लिए बटन्स प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर आपका इग्निशन मोड है, और अगर आप फ्यूल टैंक कैप खोलना चाहते हो, तो यहाँ से आप खोल सकते हो, या फिर आप जो अंडर सीट स्टोरेज प्रोवाइड कराई गई है, उसको खोलना चाहते हो, तो यहाँ से आप खोल सकते हो। अभी की हैंग्ड है, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको मैनुअल की ही देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह की, और सेंटर में आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी,
और एक हुक की प्लेसमेंट आपको इधर की तरफ कराई गई है, तो कुछ अगर आप कैरी कर रहे हो तो आप यहाँ पर हैंग कर सकते हो। तो अभी मैंने स्कूटी स्टार्ट करी हुई है, तो यहाँ पर आपको इस तरह की हैलोजन में हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। इसकी इल्यूमिनेशन यहाँ पर अच्छी प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ कुछ इस तरह की आपको आवाज़ सुनाई देगी, तो साइलेंट आवाज़ यहाँ पर आपको सुनाई देगी। सो गाइज, ये है होंडा एक्टिवा का स्टैंडर्ड एडिशन, बहुत ही स्मार्ट लुक के साथ, एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आपको एसेंशियल फीचर्स के साथ यहाँ पर होंडा स्कूटी प्रोवाइड करा रही है, और उसके साथ यहाँ पर आपको होंडा का भरोसा भी देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो है 76,234 रुपये, और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो आपको कॉस्ट करेगी 89,889 रुपये दिल्ली में। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।